स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता राम नाम जपने के बजाय दिग्विजय नाम जपते हैं, फिर यह भी कहते हैं कि दिग्विजय का नाम लेने के बाद नहाना पड़ता है। जो सम्मान मुझे भाजपा नेताओं से मिलता है मैं उनका आभारी हूं। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह गलतफहमी में है कि वे अपने आप की किसी भगवान से तुलना कर रहे हैं, ये केवल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला बयान है। तुलसीदास जी का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करो तो ऐसे विघ्न संतोषियों का नाम ले लो। वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पता लगता है कि वे कितने फुर्सत में हैं। ये ट्वीट इस बात का परिचायक है और गम भी है जमाने में उनकी बात करो, क्यों अपना और दुनिया का समय बर्बाद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए लिखा, श्री राम के गुणगान में राम विरोधी का नाम ना आए ऐसा संभव कैसे हो सकता है। श्री राम नवमी मनाने की चिट्ठी लिखने पर कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ गया हो, वो पार्टी श्री राम में कितना भरोसा करती है हम जानते हैं। हम राम नाम के सहारे थे, हैं और रहेंगे। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रहे गेहूं उपार्जन का भुगतान लगातार अब जारी है। प्रदेश में शुक्रवार तक 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। वहीं अब तक 4,17,210 किसानों को 2,191,60,00,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार तक 34,32,477 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। वहीं अब तक 4,17,210 किसानों को 2,191,00,000 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। 29 अप्रैल को एक दिन में 2,08,273 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इनमें 29,402 किसानों को 243,50,00,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान भी किया गया। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता आपूर्ति संरक्षण फैज अहमद किदवई ने यह भी बताया कि गेहूं उपार्जन के विरुद्ध किसानों को 2 मई 2022 तक सभी लंबित भुगतान पूरे कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य विभाग द्वारा पहली बार किसान को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने और भुगतान की गई राशि को भारत सरकार के PFMS पोर्टल पर अपलोड करने के लिए उपार्जित गेहूं का भुगतान किसानों के आधार नंबर आधारित बैंक खाते में करने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश पुलिस अपनी भ्रष्ट छवि को चमकाने के लिए अब ई चालान भी काटेगी। इस नई व्यवस्था से पुलिस के काम में पारदर्शिता आएगी। हालांकि कैशलेस होने से आम जनता को राहत तो मिलेगी लेकिन जेब ज्यादा कट जाएगी। जनता को इस चालान के अलावा इस पर GST भी देना होगा। अभी पुलिस पुराने ढर्रे के तहत रसीद बुक के जरिए चालानी कार्यवाही करती है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहन चालकों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के लिए पुलिस विभाग ने 5 बैंकों से MOU साइन कर POS मशीन ले ली है। पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भोपाल संभाग के 4 जिलों और सागर संभाग के 6 जिलों की जिम्मेदारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिली 300 POS मशीनें पुलिस टीम को आवंटित भी कर दी गई हैं। इसके अलावा इस व्यवस्था के पहले चरण में 4 अन्य बैंकें भी 1500 POS मशीनें जिलों को आवंटित करेंगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। DCP ट्रैफिक हंसराज सह ने बताया कि इस सिस्टम से आम जनता को भी राहत मिलेगी। लोग POS मशीन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए नेट बैंकिंग के माध्यम से बिना किसी झंझट के चालान जमा कर सकेंगे। हालांकि जनता चालान तो आसानी से जमा कर देगी लेकिन उसकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि लोगों को 2% GST भी देना होगा। यह GST RBI के निर्धारित नियमानुसार लगाया जाएगा। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां यूक्रेन से लौटे इंदौर के मेडिकल स्टूडेंट शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कोर्स पूरा करने के लिए एडमिशन दिलवाइए, इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल से विधिवत अनुमति भी दिलवाएं।
दरअसल इंदौर के 10 से ज्यादा स्टूडेंट यूक्रेन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उन्हें भारत लौटना पड़ा। ऐसे ही प्रदेश के अन्य जिलों के भी मेडिकल स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं। उनका कहना है कि अभी भी वहाँ के हालात ठीक नहीं है, वहाँ जाना और पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं है, वहाँ अभी भी अस्थिरता बनी हुई है। स्टूडेंट्स की परेशानी यह है कि वे मेडिकल की पढ़ाई आधी भी नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल से अगर अनुमति मिलती है तो उनका भविष्य संवर जाएगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं का उचित निराकरण करेंगे। कुछ समय पहले भाजपा विधायक महेंद्र हाइडिया भी NMC को इस बारे में पत्र लिख चुके हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां मध्य प्रदेश की रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। प्रदेश में सीजन पहली बार रायसेन और जबलपुर में रात का पारा 29 डिग्री के पार 30 डिग्री तक पहुंच गया। रायसेन में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री, दतिया में 29 डिग्री और जबलपुर में 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ग्वालियर में भी रात का तापमान 28 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल और इंदौर में भी अब रातें तपिश वाली होने लगी हैं। रात के तापमान में और बढ़त हो सकती है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 25 और इंदौर में 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक PK शाह ने बताया कि अभी गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी। दिन का तापमान 45 डिग्री के आसपास होगा और जबकि रात में यह तापमान 30 डिग्री तक बना रह सकता है। ऐसे में दिन के साथ अब रातों में भी गर्मी बढ़ेगी। दो दिन बाद तापमान कुछ नीचे आ सकता है, पारा कहीं कहीं 2 डिग्री तक गिर भी सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोग सूरज के सीधे संपर्क में आने से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और सिर पर कपड़ा या टोपी जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप MP News के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP News TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।